हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट पेपर फिजिक्स 2023। आज हम 46 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। अ वेरी लॉन्ग, कहने को लो ये हमारे क्या है, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज वेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एस ऑन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी फॉर स्टडी करंट कॉन्फिगरेशन इज गिवन बाय। हमारे पास ये इनफाइनाइट सेमी वायर है और ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इनकी वजह से हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम एक इनफाइनाइट सेमी वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वी वायर इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। हमारे पास दो वायर हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, और दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ रिंग के लिए जो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r होगा। इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो कहने का मतलब अब हम क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2। अब इसमें कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बच्चा हमारा 1 माइनस 2 अपॉन पाई। अब देखो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इस ऑप्शन को जो हमने लिया है तो ये ऑप्शन हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और ये किसके लिए है, रिंग के लिए है, और जिसके लिए पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 2 सेकंड। इससे टी इक्वल टू 2 सेकंड पर हमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो हम देखते हैं यहां पर हम बात कर लेते हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 1 है, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है, 8 सेकंड है। यहां से यहां तक टाइम पीरियड होगा। अब देखते हैं, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है वो होती है बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में मिलेगी वी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए व्हाट इज एम्पलीट्यूड 1 इंटू ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे 2π अपॉन टी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π² अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन ओमेगा की जगह 2π अपॉन टी इंटू टी। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू माइनस कितना है 4π² अपॉन टी, कितना था हमारा 8 सेकंड था टाइम पीरियड, 8 × 8 साइन 2π टी, टाइम पीरियड कितना था 8 × 2। यहां से हम कैंसिल करेंगे, 2 4 जा कितना होगा 8, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 4 से 8 कैंसिल करेंगे तो 2 बार, तो हमारा आंसर निकल के आएगा माइनस π² अपॉन 6 m/s². देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर एट 0°C इज, 0°C पर रेजिस्टेंस का कितना है 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80°C। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो हमारा फॉर्मूला होता है RD इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। टी डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब 80°C पर जो रेजिस्टेंस था हमारा 6.8 इक्वल टू R0 का मतलब 0°C पर रेजिस्टेंस था वो हमारा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और टेम्परेचर कितना है 80। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3.4 आएगा, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3.4 माइनस 1 इक्वल टू 80 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.4 आएगा डिवाइडेड बाय 80, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हमारा आ जाएगा निकल के 3 × 10⁻²⁰ पर डिग्री सेल्सियस। देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है 3 × 10⁻²⁰ पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी यू, व्हाट बुलेट ट्रेवल 24 सेकंड, 24 सेकंड उसमें ट्रेवल कर लेती है थ्रू द ब्लॉक अलोंग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली योर बुलेट बिकम्स UI3, देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन
बिफोर कमिंग टू एग्जैक्टली एट द ऑर्डर अदर एंड ऑफ द ब्लॉक द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज. तो बाय यूजिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. तो फाइनली जो वेलोसिटी थी फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं जब उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की थी एक्स वन, तो वहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई थी यू वाई थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल क्या थी यू स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन. माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन. तो टू ए एक्स वन इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नाइन. तो टू ए एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एट यू स्क्वायर अपॉन नाइन. अब सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए क्या कर रहे हैं वो रेस्ट लास्ट में जाकर के ब्लॉक के रेस्ट पे आ जाती है बुलेट. तो क्या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. तो वी स्क्वायर कितना हो गया जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू स्क्वायर माइनस टू ए. अब की बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स टू. तो यहां से हम फाइंड करेंगे टू ए एक्स टू इक्वल टू क्या जाएगा यू स्क्वायर. ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए टू ए एक्स वन अपॉन टू ए एक्स टू इक्वल टू एट ए स्क्वायर अपॉन नाइन अपॉन यू स्क्वायर. तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स वन अपॉन एक्स टू एक्स वन अपॉन एक्स टू हमारा कितना हो जाएगा बताइए एट बाई नाइन. अब हमें एक्स वन की वैल्यू गिवन है एक्स वन की वैल्यू 24 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स टू. टू ए से टू ए तो कैंसिल ही हो गया इक्वल टू एट अपॉन नाइन. एट से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा एट थ्री या 24. तो एक्स टू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू थ्री इक्वल टू 27 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं. इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है 27 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं फिजिक्स का. इसमें 50 ये हमारे गेट गिवन है. तो ये हमारा कौन सा नॉट गेट है ये भी नॉट गेट है. जब ए का निकालेंगे तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा. ये हमारा नैंड गेट है. नैंड गेट का मतलब एंड का मतलब डॉट और नॉट लग गया तो उस पर कॉम्प्लीमेंट. तो क्या हो जाएगा देखते हैं. देखिए ये नॉट गेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट. ये नॉट गेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट. ये एंड गेट है तो एंड में डॉट लगता है ए डॉट बी. तो क्या होगा यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और एंड पर नॉट लग रहा है तो पूरे पर कॉम्प्लीमेंट. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ये वाला कॉम्प्लीमेंट डबल डबल कॉम्प्लीमेंट है. तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या होगा इक्वल टू ए प्लस बी. अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा कितना मिलेगा हमारा आउटपुट कितना है ए प्लस बी. अब ए प्लस बी देख लेते हैं. अब देखिए जीरो प्लस जीरो करोगे वन आएगा वन आ रहा है तो ये तो रॉन्ग हो गया. जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा अगर ए प्लस बी करेंगे तो. इसका भी देखो ये सही है. इसका करोगे जीरो प्लस वन तो कितना होगा वन होगा ये भी रॉन्ग है. ये देखो जीरो प्लस जीरो सही है. जीरो प्लस वन वन सही है. वन प्लस जीरो वन सही है. वन प्लस वन सही है. अब देखो जीरो प्लस जीरो करोगे तो वन तो होगा नहीं तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ये तीनों ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका फोर ऑप्शन करेक्ट है. थैंक यू फ्रेंड. वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए.